नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों मैं कुछ आज एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं कि दोस्तों सवाल आप देखते से ही एक सेकंड में सॉल्व कर देंगे दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखिए कि सवाल किस प्रकार से मैं सॉल्व करूंगा। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप एक सेकंड में सॉल्व कर देंगे दोस्तों। तो चलिए सवाल से ही समझते हैं कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल है 63, 72 और 180 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 27 और ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 7। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी कैसे होगा दोस्तों, यही वो ट्रिक है। मैं ट्रिक आपको बताता हूँ ट्रिक क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसमें क्या दिया हुआ है, 63, 72 और 180। अब दोस्तों इसमें पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। दोस्तों महत्तम समापवर्तक में हमको सबसे छोटी वाली संख्या को देखना है। तो सबसे छोटी वाली संख्या ये है। अब आपको क्या करना है कि इस संख्या से सबको आप डिवाइड करके देख लो, क्या ये डिवाइड कर रही है। 63 से आप 72 को डिवाइड करेगी, नहीं करेगी। तो दोस्तों ये डिवाइड तो कर नहीं रही है, तो हमको क्या करना है कि इस 63 को आप दो भागों में बांट लीजिए। दो भागों में कैसे बांटेंगे, 7 × 9 आप लिखेंगे तो हो जाएगा 7 × 63। अब दोस्तों क्या करना है कि आप 7 से 63 में भाग दे के देखिए, तो 7 × 63 जा रहा है। अब 7 से 72 में भाग दे के दीजिए, अगर नहीं जा रहा है 63 7 से भाग देंगे, 7 × 7 और ये नहीं जाएगा। तो दोस्तों 7 को हम नहीं लेंगे, हम लेंगे 9 को, क्योंकि 9 ऐसी संख्या है तो सब में भाग चला जाएगा। आप देख लीजिए 7 × 63, ये 9 × 7 = 63 इसमें चला जाएगा, 9 × 8 = 72, 9 × 2 = 18। तो दोस्तों 9 इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। दोस्तों आप इसको मन ही मन में सॉल्व करके और आपको 2 सेकंड में मात्र आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो हमारा दूसरा सवाल क्या है दोस्तों, इसको साफ कर देता हूँ बोर्ड को, एक मिनट। नेक्स्ट सवाल है संख्याओं 15, 30 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हमको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन ए है 30 एवं 3, ऑप्शन बी है 60 एवं 6 और ऑप्शन सी है 60 एवं 3 और ऑप्शन डी है 30 एवं 6। तो दोस्तों इसका आंसर उसी ट्रिक से मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा 30 एवं 3, ऑप्शन ए 30 और 3। तो दोस्तों कैसे होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया है पहली संख्या, इसमें जो संख्या दी हुई है वो 15, 30 और 6 है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। दोस्तों लघुत्तम निकालना है तो हमको सबसे बड़ी संख्या देखना, सबसे बड़ी संख्या क्या है 30। अब 30 सही है कि नहीं है इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करेंगे, बाकी सभी संख्याओं पर 30 में भाग दे के देखेंगे, अगर भाग जाता है तो ये हमारी संख्या सही होगी। आप 6 से भाग दे के देखिए, 6 × 5 = 30 जा रहा है। इसके बाद 15 से आप भाग दे के दीजिए तो 15 × 2 = 30 इससे भी जा रहा है और 30 से भी जा रहा है। तो दोस्तों यही हमारा LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो 30 दोस्तों ये हमारा निकल आया है। अब दोस्तों हमको निकालना है इसी का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए दोस्तों इसी संख्या में दोस्तों हमको सबसे छोटी संख्या देखना है। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 6 है। तो दोस्तों 6, अब ये संख्या सही है कि नहीं है इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे कि इस संख्या का बाकी सभी संख्याओं में भाग देके देखेंगे। तो दोस्तों 6 से आप 15 भाग देंगे, क्या जा रहा है 15 में, तो 6 से भाग जाते ही नहीं है, 30 में चला जाएगा और इसमें चला जाएगा, लेकिन हमको सभी संख्याओं में जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इस 6 को हम दो भागों में बांट लेंगे। 6 को दो भागों में बांटेंगे तो 2 × 3 आएगा, 2 × 3 = 6, आप इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप 2 से सभी में भाग देके देखिए, 2 से भाग देंगे तो 2 से 15 में भाग तो जाता ही नहीं है, इसके बाद में इसमें भी चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो दोस्तों सभी संख्याओं में जाना चाहिए जबकि इसमें 15 में तो जा ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे कि इस 2 को नहीं लेंगे और 3 को लेंगे। 3 से आप भाग दे के दीजिए, 3 × 5 = 15 इसमें चला जाएगा और ये 30 में 3 × 10 = 30 इसमें चला जाएगा और 6 × 3 = 6 इसमें भी चला जाएगा। दोस्तों ये हमारा आ गया HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, ये आ गया हमारा 3। तो दोस्तों 30 और 3 ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल है दोस्तों 4 × 7, 4 × 5, 4 × 6 और 4 × 4 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो दोस्तों इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना बिल्कुल आसान है दोस्तों। तो सवाल क्या है, सवाल लिख लेता हूँ पहले, 4 × 7, 4 × 5, 4 × 6 और 4 × 4।
तो दोस्तों इनका हमको बताना है कि इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक में सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, तो बड़ी संख्या वही होगी जिसकी घात ज्यादा होगी। सबसे बड़ी घात वाली संख्या कौन सी है? 4 की घात 7। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों 2 सेकंड में सवाल आपके सॉल्व होंगे, 2 सेकंड में। दोस्तों सवाल वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों अब हमारा 14th सवाल देख लेते हैं। 14th सवाल है हमारा, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती? तो दोस्तों ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है हमारा 12 और ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी हमारा दिया हुआ है 37। तो दोस्तों 120 जो संख्या है ये दिया हुआ है इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, कि इसको सॉल्व करने के लिए हम सभी संख्याओं का इसमें भाग करके देखेंगे। अगर भाग जाता है तो ये संख्या इसका लघुत्तम समापवर्तक हो सकती है, अगर भाग नहीं जाएगा तो ये लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती। तो दोस्तों 8 का भाग करके देख लीजिए आप इसमें, तो 8 का भाग इसमें चला जाएगा, क्योंकि 8 एकम 8 बचेंगे 4, 8 पंचे 40, तो 8 से ये डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद 12 से तो डिवाइड हो ही जाएगी, 12 एकम 12 10 बार चला जाएगा। 24 से आप करेंगे तो 24 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन दोस्तों 37 जो संख्या है 37 से ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। तो मतलब कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है, तो 37 जो है ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों बेहद आसान क्वेश्चन है, आप ट्रिक के द्वारा समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए आप देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों दिया गया है कि 3 संख्याओं का उच्चतम समापवर्तक 12 है और इनका अनुपात 1:2:3 के अनुपात में दिया गया है, तो वे संख्याएं हैं। तो दोस्तों उच्चतम समापवर्तक दिया हुआ है, मतलब कि ये हमारा HCF दिया हुआ है, मतलब कि महत्तम ये कितना है 12। तो दोस्तों ये दिया हुआ है 12। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम किसी संख्या का HCF निकालते हैं तो वो जो संख्या होती है वो सभी संख्याओं में कॉमन होती है, तो ये वही संख्या है जो सब में से कॉमन आई हुई है। तो दोस्तों कॉमन ये संख्या है, तो अब कोई संख्या का अनुपात दिया है तो हम उस संख्या में इसका गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी ना जिसमें से इसको हमने कॉमन लिया होगा। तो दोस्तों आप क्या करना है कि जो अनुपात दिए हैं आप अनुपात की संख्या में डायरेक्टली इनका गुणा कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों करते हैं इसका गुणा, तो इसमें ऑप्शन दिए संख्याएं दी हुई हैं 1:2:3, तो सिंपली आप इसका गुणा इसमें कर दीजिए। 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 आएगा, 12 × 24 आएगा और 12 × 36 आएगा। तो दोस्तों ये हमारे हो गए आंसर, और आप देख लीजिए कि ये कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है हमारा सी, तो सी ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं आपकी बिल्कुल सिंपली ये सवाल सॉल्व हो जाए। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है जिसमें इसका बेसिक बताया गया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। और मुझे ट्विटर पे, फेसबुक पे और इंस्टा पर आप फॉलो करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है, आप वहाँ से जा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।